हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में देखना है हम अपने फोटोग्राफ्स को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो फिलहाल हम वही स्टार्ट करेंगे पहले। तो जब भी आप लोगों को एक फोटोग्राफ इंसर्ट करनी हो तो आप लोगों को इंसर्ट में जाना है। तो मेन्यू बार का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले आप लोग एक नई वेबसाइट खोले अपनी मर्जी से। मैंने ऑलरेडी बनाई है, मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। जिस तरीके से आप साइट में जाके न्यू वेबसाइट पे जाते हैं और एक नई साइट का चाहे एम्प्टी बनाए, चाहे वन पेज वेबसाइट बनाए, या चाहे इम्पोर्ट करके बनाए, या चाहे टेम्पलेट का इस्तेमाल करें। तो अब मुझे इसमें एक इमेज इंसर्ट करनी है, तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगी और यहाँ पे देखिए पिक्चर है फ्रॉम फाइल। तो मैं एक फाइल से एक फोटोग्राफ इंसर्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊँगी, यहाँ पे ये फोटोग्राफ इंसर्ट करते हैं। तो मैंने इंसर्ट, देखिए ये दिखा रहा है अल्टरनेट टेक्स्ट। ये अल्टरनेट टेक्स्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रखेंगे तो बेटर है आप उनके लिए, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट में सपोर्टेड नहीं होती है, ये सॉरी ब्राउजर में सपोर्टेड नहीं होती है फोटोग्राफ। तो उस केस में पिक्चर की जगह वो टेक्स्ट आ जाता है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट पिक्चर, आई राइट वेडिंग पिक्चर, वेडिंग पिक्चर। तो इसको ओके कर देंगे। प्रोसेस हो रहा है, गोल घूम रहा है, थोड़ा सा स्लो है। देखिए बहुत बड़ी है फोटोग्राफ, देखिए मैं देख भी नहीं पा रही कितनी बड़ी है, पूरे पेज पे कवर है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। पिक्चर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, राइट क्लिक करके मैं पिक्चर प्रॉपर्टीज पे गई। देखिए यहाँ पे आ रही है पिक्चर की सारी ये जो सेटिंग्स वगैरह है, आप इसे कर सकते हैं। ये अपेयरेंस पे जाइए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेट देखिए, तो हम इस वेट को कम कर देंगे, हम 480 बना देंगे, ओके कर देंगे। छूटा हो गया, देखिए थोड़ा सा स्लो है कंप्यूटर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो वर्क। तो फिर से आप लोग पिक्चर प्रॉपर्टीज में जाइए, हम फिर से देखेंगे इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हम फिर से अपेयरेंस में जाएंगे बेटा, यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे हैं रैपिंग स्टाइल। रैपिंग स्टाइल बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वर्ड प्रोसेसिंग में देखते हैं कि टेक्स्ट और पिक्चर की मतलब रैपिंग स्टाइल क्या रहेगा, क्या टेक्स्ट इन लाइन विद पिक्चर रहेगा, क्या टेक्स्ट पिक्चर के राइट लेफ्ट ऊपर नीचे बिल्कुल सीध में रहेगा या बिल्कुल अलग रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग इसमें कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो पिक्चर का ये है अलाइनमेंट, आप क्या करना चाहते हैं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप मिडिल रखेंगे, ओके कर देंगे, तो आपका जो पिक्चर का अलाइनमेंट है ये मिडिल हो जाएगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करती हूँ, इस पिक्चर को और छोटा कर देंगे, राइट क्लिक करके मैं इसको छोटा कर देती हूँ, या अभी भी बड़ा है, उसके अपेयरेंस में और छोटा कर देंगे इसको, इसको हम 180 बना देंगे, 180 बना दिया मैंने, ओके कर दिया, और इससे भी छोटा हो जाएगा अभी तक। अब इसका रैपिंग स्टाइल क्या है देखते हैं हम, पिक्चर प्रॉपर्टीज, इसका रैपिंग स्टाइल आई थिंक अपेयरेंस, इसका रैपिंग स्टाइल कोई नहीं है, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्स्ट कहीं पे भी लिख सकता है। अगर हम इसका रैपिंग स्टाइल लेफ्ट कर ले तो देखिए क्या चेंज आ जाएगा। तो देखिए जो मेरा ये है टेक्स्ट, इसने लेफ्ट साइड ले लिया और जो मेरा टेक्स्ट है ऊपर आ गया, लेकिन राइट की तरफ मैं लिख सकती हूँ। करके फिर से
राइट की तरफ मैं लिख सकती हूँ और लेफ्ट की तरफ मेरी फोटोग्राफ रह गई। लेकिन अगर आप इसका राइट कर दें चेंज, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके पिक्चर प्रॉपर्टीज पे फिर दोबारा से जाऊंगी, फिर से अपेयरेंस में जाऊंगी और यहाँ पे रैपिंग स्टाइल राइट कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, मेरी पिक्चर राइट आ जाएगी और टेक्स्ट लेफ्ट आ जाएगा। देखिए देखिए, आप पिक्चर राइट आ गए और मेरा टेक्स लेफ्ट आ गया। तो इसी तरीके से ही जब भी आप एक पिक्चर इंसर्ट करें बेटा, एक बात बहुत ज़रूरी है, इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर को सेलेक्ट करके हमेशा यहाँ पे सेव करें। जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा सेव एम्बेडेड फाइल्स के नाम से। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप वेबसाइट बना रहे हैं वो हमेशा आपके ही कंप्यूटर में रहे। कभी कभी आपको वेबसाइट किसी और डिज़ाइनर को देनी पड़ती है या वेब होस्टिंग के लिए किसी और कंपनी को देनी पड़ती है। उस केस में जब आप लोगों ने कोई पिक्चर्स लिंक किए हों अपने वेबसाइट के साथ, वो पिक्चर्स उनके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोग एक पिक्चर को अपनी वेबसाइट में ही सेव करके रखें, सो दैट जहाँ पे भी पिक्चर होगी, मतलब जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट होगी उसके साथ ही पिक्चर अटैच हो जाएगी। देखिए यहाँ फोल्डर लिस्ट में अब डिफॉल्ट एचटीएमएल के साथ ये पिक्चर का नाम भी आ गया, सो दैट इसके आप अगर ये वेबसाइट कहीं पे भी ले जाए ये पिक्चर भी उसी के साथ रहेगी एज लॉन्ग एज इट्स अवेलेबल इन योर वेब पेज। तो ये जो पिक्चर है, हाँ कभी कभी ये जो पिक्चर्स होते हैं बेटा, ये बहुत मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस ये जेपीजी फाइल की, देखिए यहाँ पे लिखा है जेपीजी, तो अगर आप चाहते हैं इस पिक्चर का फॉर्मेट चेंज करना तो आप वो भी कर सकते हैं। एक पिक्चर का फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप फाइल टाइप में, पिक्चर फाइल टाइप में इसको चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, हम पिक्चर का जो फाइल टाइप है उस पर राइट क्लिक करेंगे, पहले इस पर जाएंगे पिक्चर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे देखिए आ रहा है पिक्चर फाइल टाइप जनरल में। तो हम यहाँ पे पिक्चर फाइल टाइप, देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं, इसका अपना फॉर्मेट जेपीजी, आप इनमें से कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हम ये वाला चूज करेंगे एंड इसको ओके कर देंगे। लेकिन यूजुअली बेटा ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम प्रोफेशनल्स नहीं है इमेज को लेकर, हमें नहीं पता कौन सी पिक्चर किस वाले फॉर्मेट में बेटर लगेगी। ये ऑप्शन उनके लिए हैं जो ज़्यादातर फोटोग्राफी से डील करते हैं, जिनको फोटोग्राफ्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस होती है। तो उस केस में देखिए इसमें बहुत काफ़ी टाइम लगेगा इसकी कन्वर्जन के लिए, क्योंकि उसको फाइल टाइप कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा सा पेशेंस जब तक इसको कन्वर्ट करेगा। तो हमें इसमें प्रॉपर्टीज में हमने देखा हम कैसे पिक्चर का साइज रिड्यूस करते हैं, पिक्चर फाइल टाइप अब ये हो गया पीएनजी 24 कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये इसको फिर से सेव कर दो, अब हम देखेंगे कुछ हम मल्टीपल पिक्चर्स में इंसर्ट करेंगे। ये फिलहाल प्रोसेसिंग में ही है, तो हम क्या करेंगे इसको सेव कर देंगे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय कंप्यूटर राइट नाउ, ये बहुत स्लो हो रहा है, मे बी इट्स अपडेटिंग, बैकग्राउंड में शायद अपडेशन चल रहा है, तो अदरवाइज वो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब यहाँ पे पिक्चर का क्या नाम आ रहा है डॉट पीएनजी, क्योंकि मैंने इसका वहाँ पे ये चेंज कर लिया और यहाँ पे इसकी अपीयरेंस जो है वो भी चेंज करनी है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अलाउइंग मी टू चेंज इट्स साइज। तो फिर
फिलहाल आपको समझ आ गया किस तरीके से आप एक फोटोग्राफ को मतलब इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे, हम मल्टीपल पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे। फ्रॉम फाइल हम जाएंगे और एक साथ कुछ पिक्चर्स को सिलेक्ट करके उनको इंसर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मुझे चाहिए, ये वाला चाहिए और मुझे ये वाला चाहिए। तो मैंने तीन पिक्चर्स को इंसर्ट करने की ट्राई की। तो जब भी आप तीन पिक्चर्स को एक साथ इंसर्ट करेंगे तो ये हमेशा आपको बोलेगा अल्टरनेट टेक्स्ट दीजिए हर एक इमेज के लिए। तो फिलहाल हम उसको कैंसिल कर देंगे। ओके। दो पिक्चर्स इंसर्ट हो गई और अभी तीसरी है वो भी हो गई। तो ये देखिए, इसको राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे ऑटो थंबनेल। सो स्लो बेटा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस बट आई कांट हेल्प इट राइट नाउ। It's showing here that it's not responding properly. There is some glitch in my system right now. I need to restart it, but I can't leave my lecture like this. इस पे राइट क्लिक करके इसका ऑटो थंबनेल बना दिया मैंने। तो मुझे लगता है आज हमें क्लास ये पे स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज आई नीड टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर, आई हैव सम ग्लिच। रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो इसका कंटिन्यू करना है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जोड़ दूँगी इंशाल्लाह। नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो आज के टॉपिक में इतना ही, खुदा हाफिज़।